दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे पास चार चार ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप देखिएगा, वेट करिएगा, ठीक है ना। एक एक का नंबर, एक एक बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्ट हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आपके पास उनके विषय में कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत रोचक जानकारी हो उनके विषय में, तो आप हमें उस जानकारी से ज़रूर अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एक बार फिर से हम आपके लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आएँ जिसके विषय में लोगों को बहुत सारी शंकाएं हैं, जिसके विषय में लोगों को कम जानकारी है, लोग उसे नागिन समझते हैं और उससे दहशत खाते हैं। तो वह हमारे पास बहुत नज़दीक है, हम आपको दिखाएंगे। तो वो रही, हाँ, तो वो ये है वो ऑब्जेक्ट। तो ये बेबी कोबरा है और इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। लोग इसे नागिन कहते हैं और इससे डरते हैं। इसके विषय में कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बहुत ऊंची उछल जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये उसी कोबरा का बच्चा है जिसको आप बिग साइज में देखते हैं, जो 4 फुट का, 5 फुट का, और कभी कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है। और न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसका, वो वेनम इसके पास भी है। ऐसा नहीं है कि इसको वो वेनम कमाना पड़ता है। ये जब अंडे से पैदा होता है तभी इसके पास वो वेनम होता है। और विषदंत जो इसके फैंग्स होते हैं वो जन्मजात होते हैं। हालांकि वो इतने बड़े नहीं होते कि बहुत तगड़ा काट पाएँ। अगर वो कपड़े के ऊपर से होगा तो शायद ये बाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपकी मुलायम त्वचा पर काटा तो ये पक्का है कि ये काट लेगा और वेनम आपको आपके शरीर पर असर ज़रूर दिखाएगा। और वो असर वही होगा जो बड़े कोबरा के वेनम में असर होता है। तो इनको आप बिल्कुल भी इनसे खेले नहीं, इनसे सावधान रहें, इनके साथ कोई खिलवाड़ ना करें कि बच्चा है क्या कर लेगा, ऐसा सोचकर कोई खिलवाड़ ना करें इनके साथ, वरना आपकी जान के साथ खतरा हो सकता है। इसकी नज़र है मुझ पर, कुछ अजीब सी इसकी मुझे यस स्टैंड, खड़ा हो, वेरी गुड, ये बात, कुछ स्टैंड नहीं कर पा रहा है अच्छे से। वैसे कोबराज जो है स्टैंड करने में बड़े बहुत माहिर होते हैं, लेकिन ये स्टैंड नहीं कर पा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों, हो सकता है इसको कहीं चोट लग गई हो। हालांकि कैसे लगी ये जानना बड़ा मुश्किल काम है और हम डॉक्टर्स नहीं हैं। हाँ, इसको जो है हम अब ऐसी जगह रिहा कर देंगे जहाँ पर ये अपना जीवन जी सके, जहाँ इसकी जान को कोई ज़्यादा मतलब जो है दिक्कत ना हो। हालांकि बहुत मुश्किल होता है ये काम, बहुत मुश्किल होता है कि ये कितना जिएंगे कितना नहीं जिएंगे, क्योंकि इनके दुश्मन इस समय बहुत हैं। चिड़िया दुश्मन है इनकी, चिड़िया ही इनको मार सकती है क्योंकि बहुत छोटा है। बड़े होने पर तो ये शिकार कर सकता है उनका, लेकिन अभी नहीं। अभी ये छोटी छोटी मेंढकी, छोटे छोटे कीड़े जो बरसात में बहुत सारे पैदा होते हैं उनको खाएगा, और उनको खाकर धीरे धीरे ये बड़ा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को आप लाइक करें। अगर वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बन गया, क्या हालत है ये हो? आपके सर जी दिखाओ तो, मैं पहले जब कोचिंग पढ़ाई पढ़ा, अब बढ़िया, अब नहीं हाँ। तो दोस्तों हम इसे यहीं पर छोड़ने आए हैं, और ये जंगल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा जंगल है। और ये जो है काफ़ी असहज महसूस कर रहा है हमारे साथ, तो इसीलिए हमने हाथ से ज़्यादा छेड़ा नहीं इसे कि इसे दिक्कत होगी। अब इसे इसी जंगल में छोड़ देंगे जहाँ ये छुप सके, जहाँ इसके छुपने के लिए मुफीद जगह होगी, वहाँ ये छुप सकेगा और अपना जो है जीवन यापन कर सकेगा आसानी से। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप जो है बिल्कुल भी कॉपी करने की कोशिश ना करें, इनसे खेले नहीं, इनको मारे भी नहीं, क्योंकि ये भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि दूसरे जीव हमारे पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण का भी हिस्सा है, इसे बिल्कुल भी ना मारें। अब मैं इसे पहली बार हाथ लगाने जा रहा हूँ, ये यहाँ से पकड़ूँगा मैं इसे। इधर जा ही लगे, इधर
इधर ढाई लगे छोड़ो, तो ज़्यादा बड़ी जगह इसमें घुस नहीं पाएगा। ये जगह इसके लिए सही रहेगी और मैं ये जगह इसके लिए बेहतर रहेगी, इसलिए मैंने इसे, अरे यार चीटे मार डालेंगे इसको, अरे चीटे मार डालेंगे इसे, है चीटे मार डालेंगे यार इसको। चलो अलगे करो, अलगे डालो, उधर डालो। हमने ध्यान नहीं दिया और इसके ऊपर चीटे चढ़ गए, अब इसे क्या करें हम। इधर 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 इस तरफ, देखो बरसात का सीजन है, चींटे भी इस समय हैं। नजदीक करके बना देंगे, आओ उसमें छोड़ दें बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार कहाँ ले जाएं इसको साले को, यही में डालो, यही में डालो चाचा, ये बंजर ही है। ठीक, इधर करो। तो दोस्तों इसे हमने यहाँ छोड़ दिया है और ये अब चला जाएगा, उम्मीद है ये अपना जीवन ही अच्छे से जिएगा। ये तो एकदम काश की तरह दिख रहा है, बस ठीक। अब ये तब तक नहीं आएगा यहाँ से जब तक कि हम यहाँ से हट नहीं जाते, तो मैं सोचता हूँ कि हटना ही सही रहेगा मेरा। और दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा अंधविश्वास कि इसके दो मुंह होते हैं ऐसा लोगों को लगता है, सिर्फ इसी को लेना है। दो मुंह होते हैं ऐसा अंधविश्वास पूरी भारतवर्ष में फैला हुआ है, इसके सिर्फ एक ही मुंह होता है, इसके कोई दो मुंह नहीं होते। एक मुंह ये रहा जिसमें आपको छोटी छोटी आँखें, बहुत छोटी सी जबान, और ये इसकी टेल है, इसमें कोई मुँह होने की गुंजाइश नहीं। ये देखिए इसके, ये रहा वेंटिलेशन जहाँ से लैट्रिन बाथरूम करता है, टॉयलेट करता है, ये इसका वेंटिलेशन है। तो और ये बहुत रेयर किस्म का है, बहुत ही रेयर किस्म का है। इसकी बनावट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ये आप ये देखिए कितना खूबसूरत है, खूबसूरती ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। लेकिन अब इसको जाने देंगे हम, इसकी चाल देखिए कितनी खूबसूरत है। सामने क्यों आते हो, सामने ना हो बेटा, उसका जा दियो, तुम शांत रहो। इस सांप के विषय में एक अंधविश्वास है कि ये दो मुंह होते हैं, तो उसको जो है इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कभी कभी ये सीधा भी चलता है, और लोगों का कहना है 6 महीने ये सीधा और 6 महीने ये दूसरे मुंह से चलता है। तो ये सब अंधविश्वास है, इसका कोई दूसरा मुंह नहीं होता, सिर्फ एक ही मुंह होता है जिससे ये चलता है और जिससे ये खाता पीता है। तो अब जाने देंगे इसको। शाम का वक्त इनके लिए बहुत बेहतर होता है छोड़ने के लिए, रिलीजिंग के लिए, कि इनको जल्दी कोई दुश्मन नहीं मिलते हैं। और देखिए ये इसी में शायद छुप जाएगी और ये ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, फिर ये बहुत मुश्किल है कि दोबारा हमें दिखाई दे जल्दी। ये देखिए अब गायब हो गई है, ये इस तरह जो है गायब हो गई।